हाथरस सत्संग हादसे को लेकर सियासतबाजी फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। एक तरफ जहां सूबे की सीएम योगी की सरकार हादसे के बाद से ही एक्शन मोड में दिख रही है और लगातार आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचा रही है, तो वहीं विपक्ष लगातार हादसे को लेकर शासन प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बीते दिन हाथरस सत्संग के दौरान भगदड़ में मारे गए लोगों के घर पहुंचे थे। राहुल गांधी के वहां पहुंचने के बाद राजनीति और तेज हो गई है। वहीं अब इस पर बोलते हुए कांग्रेस के पूर्व नेता और कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर राहुल गांधी पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वहां तो गए, उन्हें राजस्थान दिल्ली आदि में मारे गए लोगों के पीड़ित परिवार से भी मिलना चाहिए था। सुनिए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा। राहुल गांधी जी को पूरे देश में जाना चाहिए, लेकिन उन्हें पालघर भी जाना चाहिए था जहां साधुओं को पीट पीट के मार दिया गया था। उन्हें राजस्थान भी जाना चाहिए था जहां उनकी सरकार थी और कन्हैया लाल नाम के एक ट्रेलर को गला काट के मार दिया था। उन्हें दिल्ली के दंगों में जो मारे गए, अंकित तिवारी, प्रेम सिंह, इन लोगों के यहां भी जाना चाहिए। उन्हें मोहनचंद शर्मा के यहां भी जाना चाहिए था जो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ। उन्हें उस आईबी ऑफिसर के यहां भी जाना चाहिए था जो दिल्ली के दंगों में बुरी तरह से मारा गया। जाना चाहिए, मगर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और हाथरस का जो हादसा है, ये दर्दनाक है, बहुत दुखद है, पीड़ादायक है। जिनकी जाने गई हैं उनके परिवार के दिलों में जो दर्द है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। ये संवेदनशील मुद्दा है, भावनात्मक मुद्दा है, इसे सियासी पर्यटन का पार्ट ना बनाया जाए। और मैं सभी देश के नेताओं से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे हादसे ना हों, इन्हें रोका कैसे जाए, इस पर बात की जाए। जो पीड़ित हैं उनकी पीड़ा को कम कैसे किया जाए, इस पर बात की जाए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए और इस तरह से इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने हाथरस हादसा मामले के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ के एक अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। देव प्रकाश मधुकर भोले बाबा का मुख्य सेवादार भी है। पुलिस ने देव प्रकाश पर 1,00,000 रुपए इनाम घोषित किया था। वहीं इससे पहले पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। बताते चले कि एफआईआर के मुताबिक धार्मिक सभा में 2.5 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए, जबकि प्रशासन ने 80,000 लोगों के लिए अनुमति दी थी। वहीं अब बाबा सूरजपाल ने भी मामले पर चुप्पी तोड़ते हुए पहली बार कैमरे पर प्रतिक्रिया दी है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में इस मामले पर क्या कुछ खुलासे या एक्शन देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। हाथरस सत्संग मामले से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।